आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। राजधानी में बारिश के चलते चारों ओर पानी पानी हो गया। निवर्तमान पार्षद का गुस्सा तब देखने को मिला जब उनके वार्ड नंबर 78-39 त्रिमूर्ति विहार और ओगल भट्टा में पानी भर गया। अब स्क्रीन पर देख सकते हैं कि घरों में किस कदर पानी भर गया और तो और सड़क पर चलने लायक भी बचा। वहीं जब उत्तराखंड लाइव न्यूज की टीम ने निवर्तमान पार्षद रमेश कुमार मंगू से बात की तो उन्होंने नाराजगी जताते हुए बताया कि इस कदर उनके वार्ड में बार बार पानी भर रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि माजरा से इस ओर का पानी भी टर्नल रोड पर छोड़ा जा रहा है। वहीं उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि आसपास के क्षेत्रों का पानी वार्ड 78 में ना छोड़े। और क्या कहा निवर्तमान पार्षद रमेश कुमार मंगू ने, आइए सुनते हैं उन्हीं की मुंह जुबानी। देहरादून से अंजलि पासवान की रिपोर्ट। देखिए, हमारे पिछली जो बरसात हुई थी वो ओगल भट्टा में पानी भरा था। उसका मेन कारण था क्लेमेंटाउन कैंट, क्योंकि हमने अपनी सीमा तक तो नाले की सफाई करा दी थी और कैंट में लगभग 8-9 साल हो गए हैं, कोई चुनाव नहीं हुआ है और 3 साल से तो वहाँ कोई प्रतिनिधि है ही नहीं जो क्षेत्र की देखभाल कर सके और अधिकारियों की हिलावाली रहती है। 3 सालों से नाले में कोई आदमी वहाँ सफाई करने नहीं आया। हमारे यहाँ नाला काफ़ी चौड़ा है लेकिन आगे कैंट में जाते जाते उस पर अतिक्रमण होते होते बहुत छोटा हो गया है, जिस कारण वो पानी वहाँ पर जाकर जब ब्लॉक करता है, रुकता है, तो वो पानी बैक मारता है और उसका असर हमारे पे ये पड़ता है कि हमारी ब्रह्मपुरी कॉलोनी और ओगल भट्टा उसमें जलभराव हो जाता है। तो पहले भी हमने कैंट वालों से कहा था, बताया था कि भाई इसको समय रहते सफाई करा दी जाए, लेकिन वहाँ कोई है ही नहीं सुनने वाला तो कौन करेगा। दूसरा, हमारा टर्नर रोड, मेन टर्नर रोड जो है, आज पहली बार हमारे त्रिमूर्ति विहार में पानी भर गया लोगों के घरों में। उसका मेन कारण यह है कि अभी अभी जो हमारा ट्रांसपोर्ट नगर को, सेंट जोसेफ सेंट ट्रांसपोर्ट नगर को रोड आता है, उसका पानी डाइवर्ट करके जो सेवला कला और सेवला खुर्द में जाना चाहिए पानी, उसको टर्नर रोड पर डाइवर्ट कर दिया गया है। माजरे का जो पानी मंडी से पानी आता था वो सीधा ट्रांसपोर्ट नगर जाता था, उसको भी टर्नर रोड पर डाइवर्ट कर दिया गया है। जो इतना पाइप डला गया था हमारा 2014-15 में, उस समय भाजपा के लोग इतना विरोध कर रहे थे इस पाइप डालने के लिए कि इस पाइप को सड़क में डाल के आप सड़क का नुकसान कर रहे हैं, सड़क खराब हो जाएगी। आज उसी पाइप में सारे शहर का पानी लाकर डाल रहे हैं, जिस कारण आज उस पाइप में इतना पानी हो गया था कि जो साइड की नालियाँ हैं टर्नर रोड पर उनका पानी उसके अंदर नहीं जा पा रहा था, जिस कारण वो ओवरफ्लो हो के बाहर कॉलोनियों में, गलियों में भर गया। और इसके लिए हमने विरोध भी किया था कि भाई इसको टर्नर रोड में डाइवर्ट ना करें। राजा राम के बगल से इस नाले को चौड़ा करके सीधा अगर चंद्रमणि के ट्रांसपोर्ट नगर के नाले में डाल दिया जाए तो समस्या का समाधान परमानेंट हो जाएगा। पिछली बार भी जब ये समस्या आई थी तो बड़ा जोर शोर से इन्होंने कमला पैलेस से लेकर और यहाँ माजरा तक का सर्वे किया था कि हम इस साल इस नाले को बना देंगे बाहर करके, लेकिन अब जब बारिश शुरू हुई उसके बाद इनका जो सर्वे था या इनका जो एस्टिमेट था या इनका जो लोगों को बरगलाने का काम था कि हम इस नाले को बनाने जा रहे हैं, वो फेल हो गया। अब ये कहते हैं कि इस नाले का बजट पास नहीं हुआ। अरे सरकार किसकी है? सरकार भाजपा की, मेयर भाजपा का, सेंट्रल भाजपा का, और फिर आप भाजपा एक नाला पास नहीं करा पा रहे हैं। समस्या ये है, उठा के जहाँ इनको जगह मिल रही, सुविधा मिल रही, वहीं पे जोड़ दे रहे हैं, जिससे हमारा क्षेत्र टर्नर रोड इतना साफ सुथरा क्षेत्र है और मंडी का जब इसमें कूड़ा आएगा, उसमें सब्जियाँ होंगी, टमाटर होगा, कूड़ा होगा, सब चीज़ें होंगी। ये अभी पाइप में हमारे यहाँ कोई ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 2 साल इन पानियों को झेल पाएगा और ये ब्लॉक हो जाएगा और इतना बड़ा पाइप को खोलना महाभारत हो जाएगा, क्योंकि इस पाइप को यहाँ से टर्नर रोड से जोड़ के झील तक ले जाया गया जिसमें ISBT का पानी सारा आता है और माजरे का जो लेफ्ट साइड का पानी है वो सब इसमें आता है, उसके बावजूद इस पर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। मैं अपनी क्षेत्र की जनता की ओर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे क्षेत्र के, कृपया दूसरों के क्षेत्रों का पानी टर्नर रोड में ना डालें, उनकी व्यवस्था अलग से बनाएं।
जिससे जिधर का पानी जिधर जाने का रास्ता है उस तरफ रास्ता बनाया जाए।